और स्पोर्ट्स 360 में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में जारी एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बुलंदी पर वाके ठंडे सरफरंगा में कार रैली का इफ्तिताह कर चुकी है, तकरीब आज हो चुकी है। एग्जैक्टली जी, और रैली के इनेकाद से सियाहत के शौकीन अफराद को एडवेंचर कल्चर सफारी नेचर समेत कुदरती रानाइयों के भरपूर नज़ारों के मौके फराहम होंगे। विजुअल्स हमने आपको दिखाया और अब हम आपको बताते हैं कि जीबी की हुकूमत के अलावा पार्क व्हील्स और तमाम स्टेक होल्डर्स की शराकत दारी से सरफरंगा डेजर्ट कोल्ड रैली शिगर में मुनक्कित की गई। इस रैली को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। रैली के ड्राइवर्स को चार किस्म के मुख्तलिफ रूट्स मिलेंगे और ट्रैक तकरीबन इस साल 75 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा और इसमें खवातीन कार रेसर भी शामिल होंगी। सरफरंगा रैली का आगाज आज से हो चुका है और अख्तिताम 16 अक्टूबर को होगा और इस इवेंट में कार के अलावा बाइक रैली का इनेकाद भी किया जा रहा है। इसके अलावा कल्चरल इवेंट, पोलो मैच, तलवार डांस के अलावा मुख्तलिफ खेलों का भी इनेकाद किया गया है। महकमे सियाहत और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत सियाहत के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम करती हुई दिखाई दे रही। जी हाँ, और इंतजामिया के ख्याल में जीबी स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी इवेंट्स के लिए सबसे ज्यादा साजगार इलाका है। उन्होंने ये भी बताया कि आज से टेंट विलेज भी कायम कर दिया गया है जिसमें सकाफती इकदार को उजागर करने की भी कोशिश की जाएगी। डीसी शिखर ने भी बताया कि इन्हीं तारीखों में एक मीना बाजार का भी इनेकाद होगा। इसके बाद 15 तारीख को देसी कुश्ती का मुकाबला भी हम वहां पर देखेंगे और फिर इसी दिन कार रैली होगी जिसमें 100 के करीब कार रेसर्स शरीक होंगे और 15 तारीख को मेगा कल्चर नाइट भी होगी जिसमें मुकामी और पाकिस्तान से दीगर आर्टिस्ट हिस्सा लेंगे और 16 अक्टूबर को फाइनल कार रेस का मुकाबला होगा। इसके बाद एक इख्तितामी तकरीब भी जो है वो बाकायदा तौर पर मुनाकिद की जाएगी। सो एक बेहतरीन फेस्टिवल जो है वो जारी है।